चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 108 बार इनके मुख से नारायण शब्द निकलवा के छोड़ूंगे। अब तो महाराज का यादव बार बार पूछे, बार बार कहे कि वो तोता क्या बोलता था। हिरण्यकश्यप कहता है कि वो नारायण नारायण बोलता था। हाथ पे गिरती जा रही है कयादो, कहा कि जंगल तो बहुत बड़ा होता है, आप कहीं भी चले जाते। कि देवी मैं कई जगह गया, कई स्थान मैंने बदले, लेकिन वो तोता आवे और नारायण नारायण बोलने लग जावे। कयादो महाराज गिनती चली जा रही है। अब तो बार बार जब पूछे तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि वो नारायण नारायण बोलता था, नारायण नारायण बोलता था। अब जब कयादु को लगा कि एक दो बार का रह गया है, एक माला पूरी हो जाएगी, अब तो हिरण्यकश्यप कैसे आ गया कि अब देवी ना पूछना अन्यथा बहुत बुरा होगा। जब से मैं आया हूं तुम्हारा एक ही प्रश्न है, इसी बात पर अटकी हो। कहते महाराज गुस्सा काय करते हो, हम आपके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, जब तक आप बैठिए। महाराज भोजन बना करके कयादु लाती है और हिरण्यकश्यप के सामने रख दिया कि महाराज भोजन पाने से पहले मुझे एक बार और बता दीजिए कि जब आप जंगल में गए थे तो वो तोता क्या कहता था, वो तोता क्या बोलता था। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप कहता है कि देवी अब ना पूछना, लास्ट बार है तुम्हारा, कि वो तोता नारायण नारायण बोलता था। जैसे ही महाराज माला पूरी हुई, मेरे भगवान प्रसन्न हो गए। आज महाराज फिर से जाता है भजन करने के लिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है भगवान मुझे अजर अमर कर दो, ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक बार जो आया है उसको अवश्य जाना है, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले, जब समय आ जाएगा तो वो पक्का चला जाएगा। ये हमारा शरीर होता है ना, एक तोता पक्षी की तरह होता है, जब एक बार पिंजड़े से निकल जाता है ना तो फिर लौट करके नहीं आता है। फिर चाहे आप इसकी खूब सेवा करो, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, अभी कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा 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 तोता उड़ जाएगा, अभी कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। जय बोले तोता है बड़ा अनोखा, तोता है बड़ा अनोखा, ये 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 तोता है बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा, 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 फिर भी न माने प्यार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। जय भोले। We'll be right back.
तोता की करो मजूरी, 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 रोज खिलाओ हलवा पूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी, फिर भी न माने प्यार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, जब ले मुनियों ने जोर लगाया, मुनियों ने जोर लगाया, ऋषि 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 मुनियों ने जोर लगाया, ये न किसी के हाथ में आया, 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 उड़ गया कोस हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, 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 उड़ जाएगा। तो महाराज खूब इसकी सेवा करो, तुम बड़े बड़े डॉक्टरों पर दिखाओ, बड़े बड़े महाराज वैद्यों पर जाकर के दिखाओ, खूब बादाम खूब महाराज पकवान पाओ, लेकिन जब एक समय आ जाएगा तो अपने आप उड़ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आया है सो जाएगा राजा रंग वगैरह, को ही सिंहासन चढ़ चला, को ही बंदा जंजीर। महाराज एक दिन सबको जाना है, महाराज जब कहा कहने लगा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं कभी ना मरूं, भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है, तुम वरदान एक ना मांगो, अनेकों अनेक मांग लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि मैं अजर अमर कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं अजर अमर नहीं कर सकता हूं। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज वरदान मांगने लग जाता है, एक नहीं अनेकों अनेक वरदान शुरू कर देता है, महाराज ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना नारायण से, ना दिन में मरूं ना रात में, मैं आपके द्वारे बनाए हुए इन 12 महीनों में भी ना मरूं। ध्यान करता है कि कुछ रह तो नहीं रहा है, जब कहा कि आपके बनाए हुए इन 12 महीनों में ना मरूं तो बड़ा प्रसन्न हो। प्रहलाद जी नन्हे से हैं, कर रही थी क्या प्रहलाद जी को पढ़ते 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 महाराज जब देखा महाराज
काफी समय निकल गया तो एक बार क्या होता है, किरण्य कश्यप महाराज प्रहलाद जी के पास में आता है कि बालक को 3 महीना हो गए पढ़ते पढ़ते, देख तो लूं कितना ज्ञान हुआ है, कितना ज्ञान हो गया है। जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, महाराज प्रहलाद जी दौड़ लगा देते हैं और अपने पिता की गोद में आकर के बैठ जाते हैं। प्रहलाद जी से हिरण्य कश्यप कहता है कि बेटा तुम्हें 3 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, बताओ तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री, जब हमने जन्म लिया है, जब हमने जन्म लिया है तो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए, गोविंद का नाम स्मरण करना चाहिए। जब महाराज कन्हैया का नाम लेने लगा तो आग बबूला हो जाता है कि तू ये किसका नाम लेने में लगा है, तू ये किसका नाम लेने में लगा है। गुरुजी को बुलाया कि तुमने बालक को ये क्या सिखा दिया है, तुमसे कहा था ना कि दैत्य विद्या सिखाना। गुरुजी कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। महाराज हिरण्यकश्यप चला जाता है, फिर से पढ़ाने लग जाते हैं गुरुदेव, खूब महाराज दैत्य विद्या पढ़ाते हैं। कुछ 3 महीने बाद फिर से महाराज हिरण्यकश्यप जाता है, पहला जी दौड़ लगा करके आते हैं और महाराज हिरण्यकश्यप की गोद में आकर के बैठ जाते हैं कि बेटा अब तुमने क्या सीखा, कि पिताजी पहले जब तुम आप आए थे ना तो मैंने एक ही बात आपको बताई थी, अब की बार मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। हिरण्यकश्यप प्रसन्न होने लगा कि बताओ बेटा तुमने क्या सीखा। किस्रवर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप से कि श्रवणम, जहां कहीं भी भगवान की कथाएं होती हों उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जहां कहीं भी भगवान ठाकुर जी का सत्संग होता हो उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। दूसरी बात मैं कही कि कीर्तनम, जब जब हमें अवसर मिले खूब मन से प्रेम से कीर्तन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, स्मरणम बाद सेवनम चरण वंदन करना चाहिए। जब ऐसी बातें करने लगे तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं औरों को शिक्षा देता हूँ कि तुम किसी और का नाम मत लेना, और मेरा पुत्र होकर तू मेरा ही अनादर करने में लगा है, न जाने किसका नाम लेने में लगा है, न जाने किसका नाम लेने में लगा है। वर्णन ऐसा आता है कि महाराज प्रहलाद जी को कई बार इसने मारने का प्रयास किया, कई बार महाराज मारने का प्रयास किया है, लेकिन मेरे गोविंद ने हर बार आकर के बचाया। एक बार जब बार बार पिताजी मार रहे थे तो प्रहलाद जी के साथ के जो विद्यार्थी थे ना वो पूछते हैं कि भैया तू एक बात बता, गुरुजी जो तुझे पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो तुझे पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन तेरे पास ये सब बातें कहां से आ जाती हैं? जब तेरे पिताजी तुझे पूछते हैं तो ये सारी बातें तू कहां से लेकर के आता है, ये सारी बातें तू कहां से लेकर के आता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो रंग मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो जो आज मेरी हालत है वो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक बात कहूं, विद्यालय वही है, विद्यालय महाराज वही है। महाराज कहते हैं उसी विद्यालय में महाराज सब पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी विद्यालय में सब महाराज पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरुजी भी वही हैं पढ़ाने वाले। गौर से सुनना मेरी बात को, आपने देखा होगा
जब पूछा कि तेरे पास ये बातें कहां से आती हैं, गुरुजी जो तुझे पढ़ाते हैं वो हमें भी पढ़ाते हैं। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, कहते हैं कि जब पहले के बड़े बूढ़े हुआ करते थे ना, वो आठवीं क्लास पास होकर और जॉब में लग जाते थे, आठवीं दसवीं क्लास पास करके। क्यों? जो विद्यार्थियों के जो लक्षण थे ना, वो उनमें व्याप्त थे, उनमें विराजमान थे। और आजकल आप देख लीजिए, बालक ना जाने कौन सी डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहे हैं। बालक न जाने कौन सी डिग्रियां हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, चारों तरफ भटकने में लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है आपको पता है? विद्यार्थी के पांच लक्षण होते हैं। जिस विद्यार्थी के अंदर ये चीजें होंगी, वो विद्यार्थी किसी भी सभा में बैठ जाए कोई उठा नहीं सकता है। विद्यार्थी के महाराज पांच लक्षण बताए गए हैं। जो पहले के बड़े बूढ़े हुआ करते थे ना, जो आठवीं क्लास दसवीं पास होकर के नौकरी में लग जाया करते थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान नेत्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पांच लक्षणम। ये महाराज पहले के बड़े बूढ़ों में हुआ करते थे। और आजकल के जो विद्यार्थी हैं, आजकल के जो बच्चे हैं महाराज, उनके लिए भी मैंने पांच लक्षण बताए हैं। कहते हैं ना महाराज, बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं और लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में नंबर आने के लिए, और जब भी वहां पहुंचते हैं तो भगा दिया जाता है, नंबर नहीं आता है। ना जाने कौन सी डिग्रियां लिए हाथ में फिरते हैं। क्यों? पहले के बड़े बूढ़े अगर कहीं रुकते थे तो विद्या की बातें करते थे, सत्संग की बातें करते थे। और आजकल के अगर चार लड़के किसी चौराहे पर खड़े हुए हैं महाराज, चार लड़के किसी चौराहे पर खड़े हैं, तो वहां से किसी बड़े बूढ़े का निकलना मुश्किल कर देते हैं, वहां से किसी बड़े बूढ़े का निकलना मुश्किल कर देते हैं। और चार लड़के अगर कहीं चौराहे पर खड़े हैं तो वो विद्या की बातें नहीं करेंगे। आज के किसी बालक को आप पूछ लो कि इस आरती में चौथी लाइन कौन सी है, तो शायद ना बता पाएगा। किसी बालक को आप पूछ लीजिए खड़ा करके कि लाला इस लाइन में चौथी लाइन कौन सी है इस आरती में, तो शायद वो ना बता पाए, क्योंकि उसकी लक्षणाएं बदल गई। आज के विद्यार्थियों की लक्षणा क्या है कि जब चौराहे पर कहीं खड़े हो जाएंगे तो भजन की बातें नहीं करेंगे, भगवान की बातें नहीं करेंगे। पहले के विद्यार्थियों की जो लक्षणा थी वो बड़ा सुंदर थी, और जो अब की है, अगर चार विद्यार्थी चौराहे पर खड़े होंगे तो पता है क्या बातें करेंगे, किसकी चर्चाएं करेंगे? फिल्म चर्चा। चार विद्यार्थी महाराज चौराहे पे खड़े होंगे तो आपस में बालक बात करेंगे, भैया वो फिल्म अब रिलीज होने वाली है, और पता है उसमें एक सॉन्ग आया है बड़ा प्यारा है, तुरंत बता देगा। आप किसी छोटे बालक को खड़ा कर लीजिए, वो तुरंत बता देगा कौन सी कब फिल्म कब रिलीज हुई थी, उस फिल्म में कौन सा गाना है, क्योंकि उसकी लक्षणाएं बदल गई। फिल्म चर्चा केस ध्यानम। आजकल के बालक केस, भैया ऐसी ऐसी कटिंग करा करके आते हैं कि कोई जवाब नहीं है, आप देख नहीं समझ नहीं सकते हो। मैं जब आया था तो एक बालक को मैंने कलश यात्रा में देखा था, पूरे सिर पर महाराज चार बाल खड़े हुए थे, यहाँ पर पूरे सिर पर चार बाल यहाँ पर खड़े हुए थे। मैंने भैया ये कौन सी कटिंग है तेरी कि महाराज पूरे 100 रुपए दिए हैं, पूरे 100 रुपए दिए। तो महाराज लक्षणाएं बदल गई।
फिल्म चर्चा केस ध्यानम भैंस निद्रा तथैव च। मम्मी पापा से रात में ही बोल देते हैं कि सुबह 8 बजे से पहले जगाया तो ठीक नहीं होगा, 8 बजे के बाद ही हमको जगाना। मम्मी पापा से सुबह रात ही में बोल देंगे कि हमको जगा मत देना, हमारी नींद आज पूरी नहीं हुई है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। फिल्म चर्चा केस ध्यानम भैंस नेत्रा तथैव च। गुटका हारी धर्म त्यागी विद्यार्थी न बंजल क्षणम। मैंने छोटे छोटे से बालकों को मारा, गुटका खाते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है। महाराज गुटका खाते हुए सिगरेट पीते हुए नन्हे नन्हे बालकों को मैंने, कहते हैं। और पहले के हमारे बड़े बूढ़े जो 8वीं क्लास पास होकर के लग जाते थे, उनके जो 5 लक्षण थे महाराज बड़े प्यारे थे। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान नेत्रा तथैव च। जब महाराज वो लग जाया करते थे, जब वो महाराज योग में लग जाया करते थे, तो यही बात प्रहलाद जी से पूछा कि भैया तू ये कौन सी पढ़ाई पढ़ता है, तू ये कौन सी पढ़ाई पढ़ता है। गुरु जी जो तुम्हें पढ़ाते हैं वो हमें भी पढ़ाते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं वो हमें भी सिखाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारे ऊपर भी वो रंग चढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी वो रंग महाराज चढ़ जाएगा। आज विद्यार्थी कहते हैं कि प्रहलाद जब तेरे पिताजी तुझे मारते हैं तो हमें अपार कष्ट होता है, हमें अपार तकलीफ होती है। भैया तू हमें बता कि तू कौन सा भजन करता है, कौन सा चिंतन करता है, तेरे पास ऐसी विद्या कहां से आती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा। महाराज किसी के हाथ में कांसा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में महाराज मदीरा दे दिया, किसी के हाथ में महाराज थाली दे दी, और महाराज प्रहलाद जी स्वयं खड़े हो जाते हैं और प्रहलाद जी बोलना शुरू कर देते हैं कि जैसा मैं कहूं वैसा बोलना, ये रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। करुणामयी ममतामयी हो मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे, करुणामयी मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई ओ मेरी दया मई राधे।
मन में तो बसी बस चाह ये, ये नाम तुम्हारा उच्चारा करो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करो, 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 हो करुणा बहे करुणा मई कृपा बहे कृपा मई, हो मेरी दया मई राधे करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सहे, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही, जब देखा महाराज सभी विद्यार्थी नृत्य करने में लगे हुए थे नाचने में लगे हुए थे, हिरण्यकश्यप के पास गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी से कहा कि तुम्हारे विद्यालय में शोर कैसा हो रहा है, हल्ला गुल कैसे हो रहा है, गुरुजी कहते हैं मैं तो तुम्हारे पास में बैठा हूँ मुझे क्या पता, महाराज दो सेवकों को भेजा कि जाइए आप जाकर के देखो कैसा शोर हो रहा है विद्यालय में, दो सेवकों को भेजा महाराज, जैसे ही प्रहलाद जी को मारना चाहा जैसे ही टच किया महाराज उन्हें भी यही करंट लग गया और महाराज वो भी उनके साथ में नृत्य करने लगे, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, 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 श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरा है, बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरा है, तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जब देखा महाराज कि दो सैनिकों को भेजा था वो भी लौट करके नहीं आए, वो भी विद्यालय में रह गए, गुरुजी की तरफ देखा कि बात क्या है कैसा शोर हो रहा है कैसा हल्ला हो रहा है, हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ तुम स्वयं जाकर के देखो, महाराज जब स्वयं जाकर के गुरुजी ने देखा सभी विद्यार्थी महाराज नृत्य करने में लगे हुए थे नाचने में लगे हुए थे, गुरुजी जैसे ही प्रहलाद जी को रोकना चाहते हैं जैसे ही प्रहलाद जी को टच किया महाराज गुरुजी भी नृत्य करने लग गए नाचने लग गए, गुरुजी भी महाराज उन विद्यार्थियों के साथ नाचने लग जाते हैं, नारायण नारायण।